इंसान बनो, एक इमोशनल। मैं अपने दोस्तों के साथ फेमस लस्सी की दुकान पर बैठा था। हमने लस्सी का ऑर्डर दे दिया था। कुर्सियों पर बैठकर हम सभी यार दोस्त हंसी चिथोली कर रहे थे। दुकानदार हमारा ऑर्डर तैयार कर रहा था। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी लगभग 74-75 वर्ष की औरत आकर खड़ी हो गई। कमजोर थी, चेहरे पर भूख साफ नजर आ रही थी, आंखें चेहरे में अंदर घुसी हुई थी, लेकिन आंखों में पानी चमक रहा था। देखकर ही पता चल रहा था कि उनका गुजारा मान कर चलता होगा। मैंने उन्हें पैसे देने के लिए अपने जेब में हाथ डाला, लेकिन पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैंने अपने हाथ रोक लिए और उनसे पूछा, दादी आप लस्सी पियेंगी? मेरी ये बात सुनकर दादी कम और मेरे दोस्तों को ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अगर मैं उन्हें पैसे देता तो 5 या 10 रुपए देता, लेकिन लस्सी तो 40 रुपए की थी। बूढ़ी औरत हिचकिचाते हुए हाँ बोली और उन्होंने अपनी मुट्ठी में पकड़े 15 रुपए जो उन्होंने मान कर इकट्ठा किए थे मुझे देने के लिए मेरी ओर बढ़ाए। मैंने पूछा ये क्यों, तो वो बोली इन्हें अपने पैसों में मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे भर दो। उन्हें देखकर मैं भावुक तो पहले ही हो गया था, पर उनकी बात सुनकर मेरी आंख में आंसू आ गया। मैंने दुकानदार को एक लस्सी बढ़ाने के लिए कहा। मैंने दादी के पैसे नहीं लिए, इसलिए उन्होंने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली। सबको लस्सी दे दी गई। मैंने अपनी और दादी की लस्सी के ग्लास उठाए और एक दादी को दी। मैं और मेरे दोस्त कुर्सी पर बैठे थे और दादी वहीं पर हमारे सामने जमीन पर बैठ गई। मैं अपने आप को लाचार और गरीब महसूस करने लगा, क्योंकि दुकानदार मेरे दोस्त और बाकी के ग्राहक कहीं कुछ बोल ना दे, इसलिए मैंने बेचारी भिखारी दादी को कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कहा। मैं घुटन महसूस करने लगा। मैं कुर्सी से उठा और दादी के पास जमीन पर बैठ गया। ऐसा करने के लिए मैं आजाद था और इससे किसी को कोई परेशानी हो इसका भी कोई प्रश्न था ही नहीं। मेरे दोस्त बड़ी अजीब नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। वो कुछ बोल पाते इससे पहले दुकानदार ने दादी को उठाया और कुर्सी पर बिठाया और मेरी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए हाथ जोड़कर बोला, साहबों पर बैठिए। मेरी दुकान पर ग्राहक हजारों आते हैं, मगर आपकी तरह इंसानियत कभी नहीं आते हैं। तो आपको ये कहानी कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। और ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल से जुड़े। धन्यवाद।